गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज का क्विज शुरू करते हैं और आप अपना उत्तर जितना सही कर पाएं ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा नोस्ट्रो अकाउंट क्या है? हाल ही में चर्चा में रहा नोस्ट्रो अकाउंट क्या है? नोस्ट्रो अकाउंट काफी चर्चा में था समाचार पत्रों में, लगभग डेली 7 से 8 दिन मैंने भी देखा डेली नोस्ट्रो अकाउंट के बारे में कुछ ना कुछ आ रहा था। तो क्या है ये अकाउंट? ए, किसी व्यक्ति का किसी भारतीय बैंक की भारत व समुद्र पारीय शाखा में समान खाता। बी, निर्यातकों का बैंकों में अंशकालिक क्रेडिट खाता। सी, दूसरे देशों के बैंकों में भारतीय बैंकों का विदेशी मुद्रा में खाता। या डी, भारतीय रिजर्व बैंक के बड़े बड़े कारपोरेट घरानों का क्रेडिट खाता। आप अपना उत्तर चुन सकते हैं। देखिए दोस्तों, नोस्ट्रो एक प्रकार से नोस्ट्रो और वोस्ट्रो दो शब्द यूज किए जाते हैं किसी अकाउंट के लिए। वास्तव में नोस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट एक ही अकाउंट के दो अलग अलग नाम होते हैं। जिसके पास जमा होता है वह उसको वोस्ट्रो बोलता है, जो जमा करता है उसको नोस्ट्रो बोलता है। एक प्रकार से हमारा और तुम्हारा, जैसे हम आपके पास कुछ जमा कर रहे हैं तो हम उसको नोस्ट्रो बोलेंगे अर्थात हमारा, और आप हमारा कुछ जमा कर रहे हो, कुछ रख रहे हो अपने पास, तो आप उसको वोस्ट्रो अकाउंट बोलोगे अर्थात तुम्हारा। तो यह क्या है? वास्तव में दूसरे देशों के बैंकों में, या एक बैंक जब दूसरे बैंक के पास खाता खोलता है, खाते में कुछ पैसा जमा करता है, तो उसको वो नोस्ट्रो अकाउंट कहता है, ठीक। और वो जो बैंक जो जमा रखता है उसको वोस्ट्रो बोलता है। तो इसका सही उत्तर सी होगा, दूसरे देशों के बैंकों में भारतीय बैंक का विदेशी मुद्रा में खाता। यह खासकर अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग में शब्द ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। 4.49 जो हाल में चर्चित रहा क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 4.49 जो हाल में चर्चित रहा क्या है? एक साथ कई बीमारियों की जांच करने वाला डीएनए स्क्रीनिंग टेस्ट। आकाशगंगा के परे खोजा गया पहला ग्रह। अमेजन के जंगलों में खोजी गई मेंढक की निशाचर प्रजातियां। या फिर जापानी वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित नया रोबोट जो अपने मित्रों के लिए आसानी से दरवाजा खोल देता है। आप प्रश्न का उत्तर चुनिए। 4.49 की यहां पर बात की गई है। क्या 4.49? देखिए दोस्तों, जितनी जेनेटिक बीमारियां हैं और खतरनाक बीमारियां हैं उसका पता हमें कब चल पाता है? ज्यादातर मामलों में पता तब चलता है जब वो घातक रूप में सामने आ जाती है, जब उसका इलाज या तो असंभव हो जाता है या फिर एफोर्डेबल नहीं रहता और लोग उसका इलाज नहीं करा पाते हैं, या फिर इलाज होता है लेकिन वो सही नहीं हो पाता है, अंततः व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। जैसे टीबी की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई, मिर्गी हो गया। तो इन सब का पता इस खोज के बाद, 4.49 के खोज के बाद, 4.49 एक डीएनए स्क्रीनिंग टेस्ट है 4.49, जिसका जिससे जो है अब इन बीमारियों का पता, जो जेनेटिक बीमारियां हैं, आसानी से घर पर ही पता चल पाएगा, ठीक है। इसको सेमाफोर 4.49 या फिर सेमा 4.49, ये तीनों इसी के नाम है। अगर एग्जाम में सेमाफोर आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, वो 4.49 को ही सेमा 4.49 या नेटालिस या सेमा 4.49, ये चारों ही कह सकते हैं और कहा जाता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, समय से बीमारी का पता चल जाएगा और उसका इलाज हो जाएगा। तो ए इसका उत्तर होगा दोस्तों। तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार तुवालु, जिसके समुद्री जल स्तर में वृद्धि से डूबने की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन उसके भौगोलिक क्षेत्रफल में 2.9% की वृद्धि हो गई। दूसरा, तुवालु एक पोलिनेशियाई द्वीपीय देश है। पोलिनेशिया कहाँ है दोस्तों, बता दें, ओशिनिया में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के पास का एक क्षेत्र है, द्वीपीय देश है, प्रशांत महासागर में पड़ता है। यह दुनिया का तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। यह दुनिया का चौथा सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला देश है। तो इसका उत्तर आपको चुनना है। केवल तीन सही है, केवल एक दो सही है, कि एक दो व चार सही है, या चारों सत्य है। आप एक बार फिर देख सकते हैं चारों पॉइंट्स और अपना उत्तर चुनिए।
देखिए दोस्तों, तुवालु एक देश है जो पोलिनेशिया में स्थित है। हवाई और ऑस्ट्रेलिया के मध्य प्रशांत महासागर का यह एक देश है। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसके अनुसार तुवालु, जिसके आज तक जो है समुद्री जलस्तर में वृद्धि से डूबने की आशंका जताई जा रही थी, आश्चर्यजनक रूप से उसके भौगोलिक क्षेत्रफल में 2.9% की वृद्धि दर्ज की गई। यह बिल्कुल सत्य है। पहला, तुवालु एक पोलिनेशियाई द्वीपी देश है, यह भी सत्य है। यह ऑस्ट्रेलिया और हवाई द्वीप के बीच स्थित है। यह दुनिया का तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला देश है, यह भी दोस्तों सत्य है। यह दुनिया का तीसरा सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। पहले स्थान पर सबसे छोटा देश दुनिया का कौन सा है जनसंख्या के मतलब कि परिप्रेक्ष्य में? नौरू। दूसरे स्थान पर वेटिकन सिटी और तीसरे स्थान पर ये तुवालु आता है, ठीक है ना? पहले स्थान पर नौरू, दूसरे स्थान पर वेटिकन सिटी, तीसरे स्थान पर तुवालु। इसी तरह यह दुनिया का चौथा सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला देश है, यह भी सत्य है। पहले स्थान सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। उसका क्षेत्रफल कितना है? 0.44 वर्ग किलोमीटर बस। दूसरे स्थान पे नौरू, दूसरे स्थान पे मोनाको, तीसरे स्थान पे नौरू और चौथा स्थान आता है तुवालु का, ठीक है दोस्तों? तो इसका जो है चारों ही सत्य होगा। अगला प्रश्न, बोर्नियो द्वीप 1 लाख से अधिक ओरेंगुटान की हत्या की खबर में चर्चा में था। ओरेंगुटान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इसकी 3 प्रजातियां हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक अर्थात वृक्ष पर रहने वाला स्तनधारी है। IUCN की लाल सूची में इसे संकटापन की श्रेणी में शामिल किया गया है। तो अपना उत्तर चुनिए आप। फिर एक बार देख लीजिए, बोर्नियो द्वीप पर 1 लाख से अधिक ओरंगउटान की हत्या की खबरें चर्चा में थी। ओरंगउटान से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। इसकी 3 प्रजातियां हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक स्तनधारी है। IUCN की लाल सूची में इसे संकटापन श्रेणी में शामिल किया गया है। अपना उत्तर चुनिए दोस्तों। तो दोस्तों, ओरेंगुटान जो होता है इसकी 3 प्रजातियां होती हैं, बिल्कुल सत्य है। और यह विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक स्तनधारी अर्थात वृक्षों पर रहने वाला स्तनधारी है, यह भी सत्य है। और IUCN की लाल सूची में इसे संकटापन की श्रेणी में शामिल किया गया है, यह भी बिल्कुल सत्य है। देखिए, यह इंडोनेशिया तथा मलेशियाई जंगलों में मुख्यतः पाया जाता है। बोर्नियो और सुमात्रा में अब यह बचा है बस। बहुत सारे जो है ओरंगउटान लुप्त हो चुके हैं। पहले भारत में शिवालिक पहाड़ियों में शिवा पेथिकस नामक नस्ल इनकी पाई जाती थी, लेकिन अब केवल बोर्नियो और सुमात्राई जो है नस्ल बची हुई है। तो 3 इनकी प्रजातियां थी या प्रजातियां हैं, ठीक। यह विश्व का सबसे बड़ा वनस्पतिक स्तनधारी है और IUCN की लाल सूची में से संकटापन की श्रेणी में शामिल किया गया है, ठीक है दोस्त? तो इसका तीनों ही सही, सॉरी, बी इसका उत्तर होगा। तीनों इसके सही होंगे, 1 व 2 3 सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 कथन हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन व यूनेस्को द्वारा ओमान की राजधानी मस्कट में 3रे विश्व पर्यटन व संस्कृति सम्मेलन का आयोजन हुआ। दूसरा, इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास को बढ़ावा देना था। और तीसरा है, इस सम्मेलन का मुख्य विषय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार को बढ़ावा देना था। देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न UPSC के ट्रेडमार्क हैं, इसलिए हर टेस्ट में ऐसे प्रश्न को मैं शामिल कर रहा हूं। इससे आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना कैसे है। यह क्वेश्चन बता देगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको पढ़ना कैसे, आपके पढ़ने का तरीका सही है या सही नहीं है, यह प्रश्न आप हल करके जान जाएंगे। तो आप अपना उत्तर चुनिए। मुझे लगता है आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि यहां पर
लिया हुआ है विश्व पर्यटन व संस्कृति सम्मेलन। तो ऐसे प्रश्नों में आप कभी भी सतत विकास को बढ़ावा देना पर विचार नहीं करेंगे, बल्कि आपका तुरंत दिमाग जाएगा अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार को बढ़ावा देना। यहीं पर आप गलत हो जाएंगे। ऐसे प्रश्नों को जब आप श्योर न रहें तो छोड़ देना ज्यादा उचित रहता है, लेकिन आप लालचवश लॉजिक गलत लगा करके ऐसे प्रश्नों को गलत करके चले आते हैं और नेगेटिव मार्किंग कारण आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। यदि आप बढ़िया से पढ़ें इसको या याद रहे आपको, तो ही ऐसे प्रश्नों को हल करें। वास्तव में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन व यूनेस्को द्वारा ओमान की राजधानी मस्कट में विश्व पर्यटन व संस्कृति सम्मेलन का आयोजन तो हुआ, लेकिन यह दूसरा आयोजन था, तीसरा नहीं था। यह दूसरा आयोजन था। पहला आयोजन कंबोडिया में हुआ था 2015 में और दूसरा आयोजन अभी हाल ही में हुआ, वह कहां हुआ? मस्कट में, ओमान की राजधानी मस्कट में, ठीक है ना। तो यह दूसरा था, तीसरा नहीं था, तो पहला गलत हो गया। इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास को बढ़ावा देना था, यह भी बिल्कुल सही है। इस सम्मेलन में 2030 के जो सतत विकास का एजेंडा है उसको भी अंतिम रूप दिया गया है, बहुत महत्वपूर्ण है सतत विकास के संदर्भ में। आप जानते होंगे कि 2017 में, वर्ष 2017 को संयुक्त राष्ट्र ने विकास के लिए सतत पर्यटन का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था, अर्थात इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट ईयर 2017। तो इस तरह इसका जो है उत्तर कौन सा होगा दोस्तों? केवल दो सत्य है, केवल दूसरा कथन सत्य है, ठीक, तीसरा नहीं था। इसका दूसरा, इस सम्मेलन का मुख्य विषय सतत विकास को बढ़ावा देना था, ठीक है, और यह तीसरा नहीं, दूसरा सम्मेलन था। तो इस तरह से आप प्रश्नों को या कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो इस तरह से पढ़ेंगे, किस नंबर का सम्मेलन था, क्या उसका विषय था, ठीक है ना। और अगर विषय से हटकर कोई विषय रहेगा, जैसे कि उस संगठन का नाम है पर्यटन, ठीक, और उससे हटकर है सतत विकास को बढ़ावा देना, तो यहां पर आपको जरूर पढ़ना है, यहां पर आपको इस चीज को याद रखना है, नोट डाउन करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे एग्जाम में और आप हल नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बताइए कितना सही हुआ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है।